मरीज को कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किडनी का स्टोन हो भी और उसे पेन ना हो, तो ये सबसे कॉमन सिनारियो होता है। दूसरी बात, अगर किसी पेशेंट को किडनी में स्टोन है तो वो किडनी के स्टोन के पोजीशन के हिसाब से पेन अलग अलग जगह पे मैनिफेस्ट कर सकता है। जैसे मोस्ट कॉमन साइट जहाँ पे किडनी के स्टोन के कारण पेन हो सकता है वो हमारे पेट के पिछले हिस्सों में रीढ़ की हड्डी के जस्ट नीचे वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में पेन का लोकेशन होता है। तो अगर किसी मरीज को पेन हो रहा है इस दोनों जगह पे तो ये किडनी से रिलेटेड स्टोन का फीचर हो सकता है। स्टोन का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किडनी के सबस्टांस में अगर स्टोन है और अगर वो पेशाब के रास्तों में अवरोध पैदा नहीं कर रहा है तो ये पेन नहीं भी काउज कर सकता है, अनलेस एंड अंटिल अगर स्टोन का साइज काफ़ी बड़ा ना हो गया हो। किडनी से पेशाब बनने के बाद पेशाब के अलग अलग रास्तों से होते हुए ये बाहर की ओर निकलता है, जैसे यूरेटर, फिर ब्लाडर, फिर यूरेथ्रा। अगर यूरेटर के ऊपरी हिस्से में अगर स्टोन जाकर फंस गया हो अपने साइज के हिसाब से तो वो बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग पेन काउज करता है। पेन कभी कभी ये जो मैंने लोकेशन बताया फ्लैंक रीजन, वहाँ पे भी रह सकता है, या फिर वहाँ से जो पेन है वो नीचे की ओर रेडिएट भी कर सकता है। अगर स्टोन का लोकेशन नीचे ब्लैडर के पास या यूरेथ्रा के पास हो, ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में हो, जिसको कि हम लोग वेसाइको यूरेट्रिक जंक्शन बोलते हैं, वहाँ पे जाकर स्टोन अगर अटक गया है तो ये पेन नीचे में मेल के केस में नीचे स्क्रोटम की तरफ भी जा सकता है और फीमेल के केस में भी पेल्विक रीजन की तरफ ये पेन रेडिएट हो सकता है। पेन के अलावा अगर पेशाब में बार बार ब्लड आ रहा हो तो भी ये स्टोन के कारण पेन हो सकता है। इसके लिए हम लोगों को पेन आए तब तक रुकना नहीं चाहिए। अगर पेशाब में कलर चेंजेस हो रहे हो तो बिल्कुल रूटीन इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूरिन बिल्कुल कराना चाहिए। दूसरी बात कि स्टोन का साइज मैटर करता है। स्टोन नॉर्मली अगर 0.5 सेंटीमीटर का स्टोन यानी 5 मिलीमीटर से कम का स्टोन होता है तो अगर मरीज कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिए तो ज़्यादा चांसेस है कि वो स्टोन समय रहते ऊपर से नीचे की ओर अपने आप पेशाब के थ्रू बाहर आ जाता है। 1.5 mm से लेके 1 सेंटीमीटर का स्टोन कभी कभी निकल भी जाता है और कभी कभी वो अटक भी सकता है पेशाब के रास्ते में। लेकिन अगर पहले इन्वेस्टिगेशन में स्टोन का साइज 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा आए या 1 सेंटीमीटर के आसपास रहे तो बिल्कुल एक किडनी विशेषज्ञ के पास जा करके भले ही आपको कोई सिम्टम्स ना हो तो आपको ज़रूर जा करके चिकित्सीय परामर्श लेनी चाहिए। जी ठीक है।